बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, अब उस चैप्टर नंबर 1 का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक 1.6, दैट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ही डिस्कस किया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। अब लास्ट टाइम जो हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को ही मेजर करने के लिए यूज़ होते थे। अब हम लोगों ने बात की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको मेजर करने के लिए सम इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होंगे। ठीक है, देन हम उनको मेजर कर सकते हैं। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, लाइक अगर बात करें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ मेन हैं वो ये 4 हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम। अब अगर बात करें इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तो इनको मेजर करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट से ये सारी क्वांटिटीज़ जो है वो मेजर नहीं हो सकती। यानी कि अगर बात करें लेंथ मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, तो हम उनसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या मीटर रूल से मास मेजर कर सकते हैं या टाइम मेजर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इनकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक इनके अपने अपने स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो उन स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही इनकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल, ठीक है, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो ये सारे हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब इन सब इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उन जो इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने के लिए, तो उन सब इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। हर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना अपना एक बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है। क्लियर होगी बात। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मास को मेजर करने के लिए इन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मास मेजरिंग करने वाले कौन से हैं, मास को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसे हम कहते हैं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर जी। अगर हम बात करें अर्लियर टाइम में चले जाएं, ठीक है, अर्लियर टाइम की ही बात कर लें, तो वहाँ पर उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो हमारे पास पॉट्स यूज़ होते थे, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, अगर हम ग्रेन की बात कर लें, इनके जो हमारे पास गंदम अनाज वगैरह होता है, तो उनको मेजर करने के लिए पॉट्स यूज़ होते थे, यानी कि बर्तन यूज़ होते थे। तो लोगों ने अपनी स्पेसिफिकेशन बनाई होती थी, ये इतने केजी का बर्तन है, ये हाफ केजी का बर्तन है, ये 2 केजी का बर्तन है, तो उससे वो क्या करते थे, ग्रेन मेजर करते थे। या अगर मिल्क की बात करें तो अर्लियर टाइम में ये भी होता था कि मिल्क जो है उसको मेजर करने के लिए या उसको नापने के लिए भी पॉट्स यूज़ होते थे। लेकिन जैसे जैसे फर्दर मॉडिफिकेशन हुई तो क्या आ गया, बीम बैलेंस आ गया। तो बीम बैलेंस जो है वो दैट इज़ अ तराजू। ठीक है, उसके 2 पैंस होते हैं, लाइक इस तरह हमारे पास इस तरह इसके 2 पैंस होते थे। ठीक है, ये एक पैन और ये दूसरा पैन। ठीक है, अब क्या होता था, तो मास मेजर करने के लिए हमारे पास बीम बैलेंस आ गया जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुई। तो ये हमारे पास है बीम बैलेंस, बीम बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसको हम कैसे मेजर कर सकते थे, इसमें मास को, तो हमारे पास 2 पैन से,
ठीक है। अब एक पैन में हम क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड मास रखते थे, स्टैंडर्ड मास यानी कि एक नॉन मैस रखते थे, ठीक है, नॉन मैस। लाइक हम नॉन मैस कितना 1 kg का रख लेते थे, या फिर 1/2 kg का, ठीक है, या 2 kg का, ठीक है। तो हम इस तरह इन नॉन मैस यानी कि एक स्टैंडर्ड मास यहाँ पर रख लेते थे। उसके अलावा अदर पैन में हम क्या करते थे, वो हम मास रखते थे जो हम लोगों ने कोई किसी चीज़ को मैयर करना होता था उसको हम दूसरे पैन में रखते थे। जैसे अगर बात कर ले, हम ग्रेन को ही मैयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेन को मैयर करने के लिए एक पैन में हम नॉन मास रखेंगे और दूसरे पैन में जो है अननोन मास रखेंगे। अननोन मास यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये कितने के जी का है, 1/2 kg का है, 2 kg का, 3 kg का, 4, तो इस तरह हमें नहीं पता, वो हमारे पास एक अननोन मास है, तो उसको हम सेकेंड पैन में रखेंगे। अब अगर ये दोनों पैन जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो इट्स मीन दोनों का जो मास है वो बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर क्या होता है, समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि ये दोनों पैन जो है वो इक्वल नहीं आते, इन दोनों का मास जो है वो इक्वल नहीं आ पा रहा था। जो हम अगर लाइक यहाँ पर हम नॉन मास में हम 2 kg का मास रख देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी अननोन मास रखते हैं, तो इन दोनों के जो बीन्स हैं, तो इन दोनों के बीन्स जो हैं तो वो इक्वल नहीं आती। लाइक इस तरह इक्वल नहीं आते, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा अपवर्ड जा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनको मतलब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारे पास यहाँ कोई और अगर नॉन मैस ना भी हो तो फिर इसे क्या होता था, हम इसी वैल्यू को ही काउंट कर लेते थे, ठीक है। अगर हमने यहाँ 2 kg का मैस रखा, अब देखें ये इसके हाफ में आ रहा है, तो इट्स मीन ये हमारे पास 1 kg का मैस प्रेजेंट है, हमें 1 kg का मैस यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हमारे पास और दूसरा 1 kg का मास नहीं है तो हम इसी को मैयर कर लेते थे, यानी कि इसी की वैल्यू लिख लेते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतना ये मोर प्रिसाइज या एक्यूरेट नहीं था, मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्दर मॉडिफिकेशन है और इसके बाद और भी बहुत सारे जो हैं वो मतलब इंस्ट्रूमेंट आए जो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट देते थे। अब ये जो बीम बैलेंस है, इस बीम बैलेंस को सबसे पहले ग्रीक और रोमन्स ने यूज़ किया, ठीक है, ग्रीक और रोमन ने सबसे पहले इस बीम बैलेंस को यूज़ किया, ठीक है, बीम बैलेंस। तो ये बीम बैलेंस अब भी यानी कि बहुत सारी जगहों में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अब भी बीम बैलेंस यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका अब यूज़ वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अब भी किसी किसी जगह पर है। लाइक अगर आप बात करें जैसे कि कुछ बेचने वाले आते हैं, यानी कि अगर पतीसे की बात करें तो कुछ मतलब रेडी वाले आते हैं पतीसा बेचने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनके पास भी यही बीम बैलेंस होता है, ठीक है, तो वो बीम बैलेंस से इजीली मेयर कर सकते। जैसे हाँ, वो बुक्स लेके हमें पतीसा देते तो वो क्या करते, एक पैन में बुक्स रख लेते थे, ठीक है, और एक पैन में नॉन मैस रख लेते, तो उसे वो देखते थे कि कितना मास है, तो उस हिसाब से वो यानी कि पतीसा वगैरह देते। अच्छा, अगर आप बात करें कि ये जो है बीम बैलेंस जो है अब मॉडिफाई होने के बाद और बैलेंसेज आ गए, तो अब ये बीम बैलेंस क्यों नहीं यूज़ हो रहा। अब देखिए, बहुत स्पेसिफिक कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिक मतलब बैलेंसेज रखते हैं, जो जिनको सही जो बैलेंस लगता है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें ये ग्रॉसरी शॉप में ये नहीं रख सकते, क्योंकि इसको पकड़ के खड़े होना मुश्किल होता है और फिर इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट भी नहीं आती, यानी कि कहने का मतलब ये इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे मॉडिफिकेशन है हमारे पास और भी बहुत सारे बैलेंसेज आए। अब नेक्स्ट बैलेंस हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िकल बैलेंस, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस की बात कर लेते हैं कि फिज़िकल बैलेंस क्या है। ये तो हमारे पास था बीम बैलेंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो है बीम बैलेंस। नेक्स्ट है फिजिकल बैलेंस। अब ये फिजिकल बैलेंस जो है ये मोस्टली लेबोरेटरीज में यूज होता है, यानी कि लैब्स में यूज होता है, ठीक है।
अगर 9th 10th के जो क्लासेस हैं उनके लैब्स की बात करें तो उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। उनमें क्यों यूज़ होता है ये अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, इसमें भी क्या होता था, इसमें भी ना इसके दो पैंस होते हैं, ठीक है, इस तरह, लाइक इस तरह, ठीक है, इस तरह इसके दो पैंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टू पैंस होते हैं और इसके नीचे क्या होता है, हमारे पास लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ठीक है, लेवलिंग स्क्रूज लगा होता है, लेवलिंग स्क्रूज। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एक नॉब होती है, नॉब, इस नॉब को हम कहते हैं अरेस्टमेंट, अरेस्टमेंट नॉब, और ये हमारे पास है लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है। ये हमारे पास एक लेवल है, इसके ऊपर क्या होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है। यहां पर भी ये लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टू पैंस हैं और ये जो हमारे पास है, ये जो है ये एक लेवल है, ठीक है, और उसके नीचे लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग स्क्रूज, यहाँ बैलेंसिंग स्क्रूज लगे होते हैं, बैलेंसिंग स्क्रूज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक बीम्स होती है, बीम, ठीक है, हमारे पास एक बीम होती है। अब वो बीम क्या कर रही होती है, उस बीम के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, ठीक है। ये पॉइंटर बिल्कुल एक स्केल के ऊपर आ जाता है, स्केल के ऊपर फिक्स हुआ होता है, यानी कि स्केल के ऊपर मिल रहा होता है। इस पॉइंटर की मदद से अगर हम यहाँ पर कोई भी मास रखेंगे तो पॉइंटर की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि स्केल स्केल के ऊपर पॉइंटर की जो मूवमेंट होगी उससे पता चलेगा कि जो मास है वो 1 kg का है, 1/2 kg का है, 2 kg का है, ठीक है, कितना है। अच्छा, ये तो हमारे पास है पॉइंटर, पॉइंटर, ठीक है। अब इस पॉइंटर के साथ हमारे पास ये पिलर्स अटैच होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, पिलर, पिलर्स, ठीक है, जिसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो स्केलिंग, ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पर स्केलिंग की होती है, ये है हमारे पास स्केल, क्लियर। अब यहाँ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है, इसकी क्या वर्किंग है और कि इसमें हम कैसे जो है वो मास को मेजर कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास टू पैंस हैं, वन और अदर पैन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, उसके नीचे लेवलिंग स्क्रूज लगे हुए हैं। फिर अगर हम बात करें, ये नॉब है, अरेस्टमेंट नॉब, ठीक है, ऊपर बात करें तो ऊपर हमारे पास बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं और इनकी क्या वर्किंग है भी मैं अभी बताती हूँ आपको। ये हमारे पास है बीम, ठीक है, बीम, और ये इस बीम के साथ एक पॉइंटर अटैच है और इस पॉइंटर की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि अगर इन पैन में कोई भी मास है तो वो 1 kg का है, 2 kg का है, 1/2 kg का है, कितना है, ठीक है। तो ये इसके साथ पिलर अटैच है, तो पिलर जो है वो इस पॉइंटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्लियर। अब ये जो बात हो रही है कि लेवल की, ठीक है, लेवलिंग स्क्रू की बात कर लेते हैं, लेवलिंग स्क्रूज की। अब लेवलिंग स्क्रूज का काम क्या होता है, ये इन दो पैंस को लेवल में रखता है, एक बिल्कुल बराबर रखता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पैन ऊपर हो और दूसरा पैन जो है वो यहाँ पर इसके साथ मिला हुआ हो, ठीक है। जैसे जब हम कोई भी मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि इन दो पैंस का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, वो लेवल पे है या नहीं। अगर ये लेवल पे नहीं होंगे, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, अगर हम इसके अंदर कोई भी मास रख लेते हैं तो ये तो ना तो ऊपर जा सकेगा ना तो नीचे जा सकेगा, तो इससे क्या होगा, हम जो मेजर कर रहे होंगे उसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस लेवलिंग स्क्रू से हम पैंस का जो लेवल है उसको पहले इक्वल करते हैं, इक्विलिब्रियम में कर देते हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी हमारे पास इसका जो है वो पैंस का जो लेवल है वो सही नहीं आता तो हम बैलेंसिंग स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो बैलेंसिंग स्क्रू से भी हम उसको क्या करते हैं, एक बिल्कुल लेवल पे रख देते हैं, बिल्कुल बैलेंस में कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ हमने कोई मास रखा, नॉन मास रखा, ठीक है,
2 kg का या 1/2 kg का, क्लियर। हमने एक नॉन मैच रख दिया। अब हम लोग यहाँ जो अदर पैन है उसमें क्या करेंगे, उसमें वो मास रखेंगे जो अननोन मास है जो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अगर क्या होगा, पहले तो हम यहाँ पर नॉन मास रखेंगे। नॉन मास रखने से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो वो उसकी जो मूवमेंट है पॉइंटर की या पॉइंटर की डायरेक्शन है वो थोड़ा इधर आ जाएगी। इसमें अभी कुछ नहीं रखा, लेकिन इसमें अभी हमने नॉन मास रखा तो पॉइंटर की मूवमेंट है वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी। जब हम यहाँ कोई मास रख लेंगे अदर पैन में जो अननोन मास हमने फाइंड आउट करना है वो कर रख लेंगे, अगर ये पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो ज़ीरो पे कोइंसाइड कर रही है, तो इट्स मीन जो हमारे पास जो हम मास मेजर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या है, इक्वल मास है, ठीक है। अगर पैंस बराबर हो जाते हैं, और पैंस कब बराबर होंगे, जब हमारे पास पॉइंटर जो है वो जो स्केल ज़ीरो है उसके साथ कोइंसाइड कर जाते, जो हमारे पास पॉइंटर है वो ज़ीरो के ऊपर भी ना आए, ठीक है, उससे भी हमारे पास जो मेजरमेंट है वो भी एक्यूरेट नहीं होगी। हमारे पास जो पॉइंटर है वो ज़ीरो को जस्ट कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, तो उससे क्या होगा, जो हम मास मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल मास होगा। अगर फिर भी इसमें थोड़ा सा डेविएशन हो रही है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इट्स मीन हमें इन मास में चेंजिंग करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे कोइंसाइड नहीं करेगा तो तब तक हमारा जो मास है वो बिल्कुल बैलेंस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है फिज़िकल बैलेंस। अब अगर इसी को मॉडिफाई करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस, लीवर बैलेंस, ठीक है। तो लीवर बैलेंस में भी यही कुछ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, लीवर बैलेंस में इसके ऊपर भी 2 pans होते हैं, ठीक है, इस शेप में, यहाँ पर एक पैन और अदर पैन इधर, ठीक है, और यहाँ पर एक स्केल होता है, ठीक है, स्केल में इसकी स्केलिंग होती है, और ऊपर ये यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, ठीक है, पॉइंटर। अब हम देखते हैं कि इस जो हमारे पास लीवर बैलेंस है, यहाँ पर नीचे एक लीवर लगा है, उसके ऊपर 2 pans हैं, ठीक है। अब हमने मास फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था कि ये लेबोरेटरीज़ में जो है फिज़िकल बैलेंस क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है वो जस्ट 250 kg तक मास फाइंड आउट कर सकता है, इससे अबव मास ये फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है, इसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। तो इससे क्या होता है, अगर हम लेबोरेटरीज़ की बात करें, लेबोरेटरीज़ में इतना मास हम फाइंड आउट नहीं कर रहे होते, उसमें 9-10 लेवल तक तो बहुत ही स्मॉल मास फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो फिज़िकल बैलेंस है ये हमारे पास लेबोरेटरीज में ही होता है। इस फिज़िकल बैलेंस को ये जो अगर बात करें, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, पतीसे वाला जो होता है वो फिज़िकल बैलेंस को नहीं रख सकता, क्योंकि वो बात होती है एक कि वो कितना कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए ये ज़रा इसलिए ये लेबोरेटरीज में ज़्यादा यूज़ होता है ये फिज़िकल बैलेंस, ठीक है। अब अगर लीवर बैलेंस की बात करें तो लीवर बैलेंस में हम मास फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक साइड पर हम नॉन मास रखते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड मास रखते हैं, तो वो नॉन मास हम फर्स्ट करो 1 kg का रख लिया, और ए सेकंड अदर पैन में हम क्या करेंगे, एक अननोन मास रखेंगे, ठीक है, अननोन मास। अब वो अननोन मास क्या करेगा, ठीक है, जब अभी हमने अननोन मास नहीं रखा, अभी हमने स्टैंडर्ड मास यानी कि नॉन मास रखा है, तो नॉन मास रखने से पॉइंटर थोड़ा इधर आगे की तरफ यहाँ मूव कर जाएगा, इस साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, दूसरे पैन में, अदर पैन में हम अननोन मास रखेंगे, अगर पॉइंटर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो पे कोइंसाइड कर जाती है, तो इट्स मीन हमारा जो मास जो हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, जो हमने यहाँ मास रखा है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, इक्वल मास हो गया। अगर पॉइंटर जो है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको नज़र आ रही है, पॉइंटर ज़ीरो से थोड़ा सा इधर है या इधर, तो इट्स मीन हमें उसमें मास को ऐड करने की ज़रूरत है, नॉन मास को ऐड करने की ज़रूरत है। अब ये लीवर बैलेंस की बात करें तो लीवर बैलेंस जो है वो ज़्यादातर ये जो दूध दही की शॉप्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा मास नहीं होता जो मतलब जिसको मेजर करना हो, तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये लीवर बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात।
अब अगर आप बात करें इसी की को मॉडिफाई करें तो हमारे पास एक जो है अदर बैलेंस आ जाता है, तो वो जो बैलेंस है वो इन सबसे भी प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, इन सबसे भी एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा होता है जी। तो वो हमारे पास बैलेंस जो है, और वो आजकल जो है वो मोस्टली वही बैलेंस यूज़ हो रहा है, तो वो बैलेंस हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो किस चीज़ से यूज़ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है, और उसमें जो स्केल है वो डिजिटल स्केल है, तो इस तरह वो उसकी मेजरमेंट भी बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज देगा। तो चलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, क्लियर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है, हमारे पास एक गिलास केस होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक गिलास केस होता है, ठीक है, एक बॉक्स कह लें गिलास। अब एक इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें एक पैन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम मास को रख के मेयर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है हमारे पास, यहाँ डिजिटल स्केल होता है, डिजिटल स्केल इस जगह पे, यहाँ पर डिजिटल स्केल, यानी कि डिजिटल स्केल नहीं, डिजिटल मेयर कह सकते हैं हम, ठीक है, सॉरी मीटर, डिजिटल यहाँ पर हमारे पास, उधर एक पैन होता है और यहाँ पर हमारे पास डिजिटल मीटर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर ऑन एंड ऑफ का बटन होता है, ऑन एंड ऑफ इसका बटन होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसे हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पर हम कोई भी मास रखेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, इस वर्ड से जाहिर हो रहा है इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब ये चलेगा, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, इसकी रीडिंग को जो है वो ज़ीरो पे करेंगे, ठीक है, ऑन करके इसकी रीडिंग को ज़ीरो पे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कोई मास रखेंगे, जब हम इसका मास यहाँ पर रखेंगे तो वो यहाँ डिजिटल मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग दे सकता है, इवन ये पॉइंट में भी रीडिंग देता है, ठीक है। अगर लाइक आप बात करें, यहाँ आपने एक मास रखा है तो उसका जो जो वेट है या उसका जो मास आया है यहाँ पर, तो इसका मास आया है 2.47 केजी। इवन मैंने ये कहा है कि ये पॉइंट्स में भी आंसर दे रहा होता है, ठीक है, ये जो डिजिटल मीटर है, ठीक है, क्लियर, पॉइंट्स में भी आंसर दे रहा होता है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये मोस्टली ग्रॉसरी शॉप्स में, स्वीट शॉप में, बेकरी वगैरह में वाली शॉप्स में, वहाँ यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इवन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी यहाँ फाइंड आउट करके बता देता है, उसकी भी रीडिंग यहाँ पर जो है वो निकाल सकता है। लाइक अगर आप नीडल की बात करें या आप कॉइन की बात करें, कॉइन कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल स्मॉल सा होता है, तो इवन अगर वो भी यहाँ पर रखेंगे तो उसका भी मास यहाँ पर मेजर करके, या उसकी जो मास है तो उसकी रीडिंग जो है, उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ शो कर देगा कॉइन की, कि कॉइन का मास कितना है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और ये बहुत ही प्रिसाइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है इन सबसे ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि इनमें से जो हमारे पास, ये तो हमने कह दिया, ठीक है, ये प्रिसाइज जो है वो मेजरमेंट दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है, किसका लीस्ट काउंट ज़्यादा, मतलब कौन सा ज़्यादा लीस्ट काउंट हमें वैल्यू दे रहा होता है, कौन सा बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं, अगर हम बात करें एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें, कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उस एग्जांपल से ही हम ये देखेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो वो कौन सा, सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा है, यानी कि
हम अगर बात कर रहे होते हैं ना, तो प्रिसाइज और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो उसका मतलब होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी मतलब उसकी वैल्यू को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल सकता है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालता है, तो हमारे पास वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। अगर आप बात करें बीम बैलेंस की, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लें कॉइन की। एग्जाम्पल बीम बैलेंस में अगर कॉइन का मास फाइंड आउट करें ना, तो कॉइन का मास होता है 3.2 ग्राम, ठीक है, 3.2 ग्राम, और इसका जो लीस्ट काउंट आता है वो 0.1 और 100 मिलीग्राम, ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट आता है, यानी कि 0.1 और 100 मिलीग्राम, 100 के साथ मिली की वैल्यू होती है 10^-3, ठीक है, ग्राम। जब इसको मतलब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। तो ये कहने का मतलब ये है, आप इसके लीस्ट काउंट से ही चेक कर लें कि ये हमारे पास 0.1 तक मेजरमेंट दे सकता है, 0.1 तक। अगर आप बात करें फिजिकल बैलेंस की, ये तो हमारे पास था बीम बैलेंस, ठीक है, अगर आप फिजिकल बैलेंस की बात करें, फिजिकल बैलेंस, ठीक है, फिजिकल बैलेंस क्या है, उसमें जो कॉइन का जो मास है, फिजिकल बैलेंस में अगर कॉइन का मास फाइंड आउट करें, तो उसमें कॉइन का जो मास होता है वो 3.24 ग्राम, यानी कि 3.24 ग्राम में इसका आंसर दे सकता है। अगर आप इसके लीस्ट काउंट की बात करें कि फिजिकल बैलेंस में लीस्ट काउंट कितना आता है, 0.01, ठीक है, और 10 मिलीग्राम, ठीक है, तो इट्स मीन हमारे पास ये उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट रीडिंग हमें दे सकता है, उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हमें दे रहा है बीम बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, अगर उससे हम कॉइन का जो मास है वो फाइंड आउट करें, तो कॉइन का जो मास आता है वो 3.247 ग्राम, वेरी गुड, 3.247 ग्राम तक इसका आंसर दे सकता है, इसकी वैल्यू निकाल सकता है, इसकी प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकता है। अगर आप इसके लीस्ट काउंट की बात करें, इसके लीस्ट काउंट होता है 0.001 और 1 मिलीग्राम, तो इट्स मीन ये इसका लीस्ट काउंट है, तो इतने वैल्यू तक ये, यानी कि इतने लीस्ट काउंट तक ये इसकी वैल्यू निकाल सकता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, इतनी स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो निकाल सकता है। तो इट्स मीन अगर आप देखें, इसका लीस्ट काउंट 0.1, इसका 0.01 और इसका है 0.001, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने आज किया पढ़ा मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब 4 इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम लोगों ने चारों जो बैलेंसेज हैं, जो चारों इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम लोगों ने अलग अलग इनको डिस्क्राइब किया कि बीम बैलेंस जो है उसे हम कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, फिजिकल बैलेंस कहाँ यूज़ होता है उसकी कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं, लीवर बैलेंस कहाँ यूज़ होता है और इसकी कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, और ये कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है। फिर हमने चेक किया कि इन चारों बैलेंसेस या इन चारों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच।